मुजफ्फरपुर में एक बार फिर अपराधियों की गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका दहल गया। अपराधियों ने एक के बाद रेस्टोरेंट पर तवातोड़ फायरिंग की। घटना के बाद पूरा इलाका दहल गया। मामला सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर रेवा रोड स्थित फारदो के समीप की है, जहां शनिवार की देर रात बाइक सवार अपराधियों ने रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियों की तड़तराहट से शीशा टूट गया। वहीं पार्टी में भी भगदड़ मच गई। रेस्टोरेंट में आए ग्राहक भागते नजर आए, जिसको जहां जगह मिली वहां छुप गया और अपराधी तवातोड़ फायरिंग करते रहे। बाद में अपराधी हथियार लहराते हुए आराम से वहां से निकल गए। गोलीबारी की सूचना मिलते ही सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे, साथ में सदर थानेदार कुंदन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना के संबंध में कर्मचारियों और मौजूद लोगों से जानकारी दी। इसके बाद अपराधियों की पहचान में पुलिस जुट गई है। बताया गया है कि इस घटना में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोली लगने के कारण जख्म हुआ है या शीशा के टूटने के कारण। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मामले में सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि रेस्टोरेंट पर फायरिंग हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि करीब 10 राउंड फायरिंग की गई है। अपराधियों की फायरिंग का पूरा वाक्य वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग खाना खा रहे हैं। इसी दौरान अपराधियों द्वारा लगातार तवातोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गया। लोग खाना छोड़कर इधर उधर भागने लगे। कई लोग टेबल के नीचे छिप गए, वहीं कई होटल के किचन तक पहुंच गए। इस संबंध में रेस्टोरेंट के मालिक के भाई प्रियांशु ने बताया है कि वह काउंटर पर थे। रेस्टोरेंट के भीतर बर्थडे पार्टी चल रही थी। स्टाफ मिलाकर करीब 35 लोग अंदर थे। इसी दौरान पार्किंग एरिया से एक युवक आए, बड़े भाई के बारे में पूछने लगा, कहा कि प्रिंस कौन है। जिसके बाद अपराधी रेस्टोरेंट के नीचे उतर गए और तवातोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे पूरे रेस्टोरेंट में दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। ऐसे क्या घटना? जैसे मेरा छोटा भाई बैठा हुआ था होटल पे काउंटर पे, तो चारा जो आया है ऊपर आया है एक लड़का, वो पूछा है प्रिंस है, प्रिंस मेरा नाम हुआ, प्रिंस है। तो बोला कि नहीं नहीं है, नीचे आओ। उसी को बुलाया, तुम नीचे नहीं गया, ठीक है। सीढ़ी के पास गया, वहीं से जैसे वो अंदर घुसा है ना, उसके बाद लगातार वो गोली चलाने लगे। कौन लोग को पता नहीं अभी। आपका पहले किसी से कोई विवाद हुआ? विवाद तो है, लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा है कौन है। किस टाइप का विवाद? वो कल पता चल जाएगा। लेन देन वाला बात किसी से नहीं, नहीं जमीन नहीं, जमीन का काम नहीं, मतलब बहुत काम करते हैं, उसे कोई लेन देन का बात नहीं। क्या लगा आपको? ये हो सकता है होटल का, मतलब सक्सेसफुल भी हो सकता है कि होटल चल रहा है, इसके कारण भी हो सकता है। इससे चल रहा है? हाँ, यही ज़्यादा चांस यही हो सकता है। कितनी गोलियाँ चली? 20 राउंड, 18 खोखा मिला है। हाँ, किसी को गोली दिया? गोली नहीं लगा है, एक लड़की को जो खाना खा रही थी, उसको शीशा से थोड़ा सा कट गया। उसके बाद आप? हाँ, उसके बाद हम दौड़ते हुए घर पे आए जी। पुलिस को सूचना? पुलिस को सूचना मिला है, पुलिस तुरंत आई है। हाँ, पूछताछ किए हैं, किसी से झगड़ा तो नहीं है जैसे। क्या नाम? प्रिंस ठाकुर जी। ऑनर है जी? जी। कब से चला रहे हैं इसको? रेस्टोरेंट हो गया कम से कम 8 महीने। घटना आप लोगों के सामने ही है, हम लोगों को भी सूचना मिली थी और हमारे सदर थाना की टीम यहाँ पर सूचना के आई थिंक 10 मिनट के अंदर आ गई थी। थानाध्यक्ष भी यहाँ पर, अभी SR ग्रांड रेस्टोरेंट है और यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित भी हुए थे उस समय, कोई पार्टी दी जा रही थी। यहाँ पर कम से कम 10 राउंड से अधिक फायरिंग की सूचना हम लोगों को मिली है। एग्जैक्टली कितने राउंड फायरिंग हुई है वो हम लोग जाँच के बाद ही बता पाएंगे, और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि डराने के लिए उन्होंने ये घटना कारित की है, क्योंकि जो लोग यहाँ चला रहे थे होटल या रेस्टोरेंट के मालिक हैं, चला रहे थे जो लोग यहाँ पर बैठे थे, तो उनको भयभीत करने के लिए ये घटना कारित की गई है। किसी को टारगेट करके ये घटना नहीं की गई है, घटना इससे बड़ी भी हो सकती थी। और प्रारंभिक रूप में कुछ जो लोगों के व्यक्तिगत विवाद या व्यापारिक विवाद की बातें सामने आ रही हैं, हम लोग उन सभी संभव बिंदुओं पर अनुसंधान करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस घटना में शामिल लोग गिरफ्तार कर लिए जाएँ। कुल 4 लोग अभी तक शामिल थे, 2 बाइक से आए थे, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों को प्रमाण फेसी जानकारी मिली है। FIR दर्ज करके हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ओके सर, कितने मिले मौके पर? एग्जैक्टली तो काउंट उसके बाद ही बता पाएंगे हम लोग प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, लेकिन 10 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हुई, दैट इज़ फॉर श्योर। सर, रेस्टोरेंट ऑनर से कुछ बातचीत हो पाई, कुछ विवाद के बारे में? बातचीत हुई है और जो भी बातें वो लोग बताएंगे उन सभी संभव बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान करेंगे। थैंक यू।